बोस बार हाय त्रपा तेरा भाई छोटू बैठो भाई गुस्ताखी की है उसको कतल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम डूबे हुए हैं अपने गम में। ये अभी अय्याम अज़ा चल रहे हैं उसमें जालिम ने ऐसा तीर मारा है जो हमारे दिलों पे लगा है और मलून ने जिस अल्फाज का इस्तेमाल किया है उस पर खुदा की लानत सुनाए और हम इसको कतन कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं। हम कानून के दायरे में रहकर, हुदूद में रहकर हम ये हुकूमत से और पुलिस से ये बात कर रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सज़ा दी जाए। हमारा कानून फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप किसी के मजहब पर या किसी के मजहब के अहम शख्सियतों पर आप इस तरह से अल्फाज नहीं उठा सकते। वो लफ्ज़ जो उसने इस्तेमाल किया, मैं वो लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर गवारा नहीं। आप देखें इससे पहले कि किसने यजीद को रज़ी अल्लाह कहा था, आज उसका क्या हाल हो गया। उसी तरह से इस मलून का भी वही हाल होने वाला है कि इसने शहजादी की शान में गुस्ताखी की है। हम तमाम उलमा व ज़ाकिरीन खुतबा ग्रोह के सदर सुदूर के लोग भी हैं, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग, क्रिश्चियंस हो, अहले तशय्यो हो, अहले तसन्नो हो, सब एक मुकाम पर जमा हुए बता रहे हैं कि किस तरह से दुख्तरे रसूल, जिसको देख कर रसूल आज़म ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे, जिसको रसूलल्लाह ने क्या मुकाम अता किया था, आज मलून किस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करता है, हम कतअन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज अगर खामोश बैठा जाए तो कल हर गली का कुत्ता निकल कर आकर भौंकने लगेगा और हम उस पर कभी न कभी खामोश नहीं बैठेंगे। हम एहतजाज करते हैं कलम से, ज़बान से, और जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ जा रही है और जिनके सीनों में दिल है याद रखे वो भी एहतजाज करे, लेकिन हुदूद में रहकर, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं हम आकर अदालत का इस्तेमाल करें और पुलिस के पास हम आ रहे हैं ताकि FIR दर्ज किया जाए, FIR दर्ज किया जाए और उस मलून को अरेस्ट किया जाए। और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है, और हमको पता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, यहाँ पर जो अदालत है और जो पुलिस है वो जानती है, वो बेहतरीन काम करेगी इंशाल्लाह। और इससे पहले भी जो हुआ था कि रसूलुल्लाह के ऊपर क्या क्या लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया था तो उसको भी पकड़ा गया था, इंशाल्लाह इस मलून के खिलाफ भी FIR दर्ज किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा। और हमारी पूरी हमें भरोसा है DCP साहब का कि इंशाल्लाह वो उस मलून को किसी ना किसी तरह पकड़ेंगे। दर्द दिला देगा बताइए कैसे लोग बताइए। इस्तेमाल किया है जिसको दोहराया नहीं जा सकता और दीगर विभाग के लिए भी इसने गुस्ताखी की है। हम ये चाहते हैं एक एक जने आइए दीजिए एक के पीछे खड़े रहो बीच में चले बीच में आप आइए कृष्ण